अस्सलाम वालेकुम। रमजान चल रहे हैं, आपको रमजान मुबारक हो। तो तो खाने का मन चल रहा है कुछ चटपटा, तो मैं बनाती हूँ बिरयानी, एक नए स्टाइल की भटियाला बिरयानी। तो आप बने रहे हमारे ब्लॉग में और मैं आपको शेयर करती हूँ भटियाला बिरयानी। तो ये रिफाइंड, मैंने रिफाइंड डाल दिया है इसमें, और इसमें डाल दिया मैंने पानी उबलने के लिए। इसमें चावल बनाऊंगी और इसमें गोश्त बनाऊंगी, फिर दिखाऊंगी आपको, आपकी आपको इसकी रेसिपी दिखाऊंगी। प्याज कट करके रख लिए मैंने, नमक ये डाल दिया, दही निकाल दिया, दही रख लिया, चिकन मैंने मसाला लगा मिला के रख लिया है इसमें सारा मसाला, सौंफ, धनिया, थोड़ी सी हल्दी, मिर्ची और अदरक लहसुन का पेस्ट, और ये दही में मिलाती हूँ इसमें। इसमें दही मैंने डाल दिया है, दही मिक्स करके रख दूंगी। इसमें डालूंगी मैं थोड़ा सा जीरा, थोड़ा सा जीरा डालूंगी, फिर डालूंगी इसमें प्याज, इसमें डाल दिया, बहुत टेस्टी बिरयानी बनती है ये, जैसे आप शादी में खाते हो ना वैसी बिरयानी बनेगी ये, बहुत टेस्टी चटपटी चटकारेदार। ये क्या डाला है इसमें? मैंने इलायची डाली है, वो छोटी काली मिर्च, लौंग, ये दालचीनी और ये तेज पत्ते डाल दिए हैं, और ये डाली मैंने बड़ी इलायची दो इसमें डाल दिए, और चार पांच इसमें छोटी इलायची डाली है। ये प्याज मेरी हो रही है, अब जब तक मैंने इसमें पानी रख दिया है, इसमें डालूंगी चावल डालने के लिए इसमें डाल दे रही है इलायची छोटी डाल दी मैंने, तीन चार, और दो इलायची बड़ी डालूंगी, और थोड़ी सी काली मिर्च डालूंगी, और थोड़ा दो चार लौंग डालूंगी, और दो ये दालचीनी के टुकड़े डाल दिए, और दो तेज पत्ते डाल दिए, और ये बनाऊंगी मैं बहुत स्वादिष्ट बिरयानी। और ऐसी बिरयानी चटपटी नई नई तरीके की मैं बनाती रहती हूँ, और बिरयानी आप सब लोगों को बहुत पसंद होती है, हमें भी सब लोगों को बहुत पसंद है। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो, और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, क्योंकि मैं नई नई रेसिपी आपको बना के शेयर करती रहूँगी नई नई। इसमें डालूंगी थोड़ा सा नींबू का रस, इससे चावल बहुत खिले खिले रहते हैं और बढ़िया फ्लेवर आता है। ये प्याज मेरी हो गई है, अब इसमें प्याज में थोड़ी सी निकालूंगी, एक हिस्सा निकाल लूंगी, और बाकी प्याज इसी में छोड़ दूंगी, फिर ऊपर से गार्निश करूंगी प्याज, और थोड़ा सा मैं इसमें रिफाइंड निकाल लूंगी, रिफाइंड भी निकाल के फिर ऊपर से मैं इसमें डालूंगी रिफाइंड, तो निकाल के रखूंगी। अब इसमें गोश्त डाल दिया मैंने, चिकन डाल दिया, माशाअल्लाह इसमें कलर बहुत अच्छा आया है। इस वीडियो को देख के आप ट्राई ज़रूर करना, बहुत अच्छी और टेस्टी बिरयानी बनती है। तो इस वीडियो को मेरी मम्मी के चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना और लाइक ज़रूर कर देना, ऐसी और उनका हौसला बढ़ते रहे ऐसी। अब गोश्त मेरा, ये चिकन मेरा बन चुका है, अब इसमें डाल दूँगी थोड़ा पानी डाल के थोड़ी देर इसके लिए पकने दूँगी, फिर उसके बाद में जब तक मैं पानी डाल दिया मैं, अभी पानी मेरा खौल गया है, अब इसमें डालूंगी मैं चावल मैंने भिगो के रखे थे 2 घंटे, और मैंने पक्के चावल लिए हैं डबल चाबी के, अब इसमें चावल डालूंगी। ये पानी खोल गया, मैं इसमें चावल डाल दिए, चावल डाल के चला के थोड़ी देर ढकूंगी, फिर इसको बनने दूंगी जब तक हमारा गोश्त भी बन के तैयार हो जाएगा। ये 10-12 हरी मिर्च ले ली है मैंने, और उसमें चिकन में मैंने 1 चम्मच लाल मिर्च डाल दी है, और उसमें 1 किलो मैंने चिकन लिया, 1 किलो चावल लिए हैं अभी मिर्च। ये हरी मिर्च जो मैंने डाली है, इसका फ्लेवर के लिए मैंने हरी मिर्च डाली है, फिर इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। इसमें से थोड़ा सा पानी निकालूंगी मैं, पानी निकाल के उसके बाद में जब गार्निश करूंगी तो पानी डालूंगी, थोड़ा सा निकालूंगी,
एक चम्मच तक पानी निकाल दिया। अब चिकन हमारा बन के हो गया है, ये भून गया है। देखो मसाला छोड़ तेल छोड़ दिया है इसने। अब मैं इसमें थोड़ा सा चिकन निकाल के अलग रखूंगी, डालूंगी। हमारे हो गए हैं, अब इसको हम इसमें ग्राइंड करेंगे, इसकी लेयर लगाएंगे। कितना प्लेट थोड़ा सी, तो पहले प्याज बचा के रखी थी, थोड़ा सा बिरयानी मसाला डालूंगी। फिर मैंने जो ये निकाल के रखी थी प्याज, वो थोड़ी सी गार्निश करूंगी इसमें। थोड़ा सा इसमें डालूंगी कलर, हाँ। अब इसमें लगाऊंगी मैं दूसरी लेयर, अब इसमें हम डालेंगे गोश्त, एक चिकन जो हमने बचा के रखा था। हमने डाल दिया चिकन। अब चिकन के बाद इसमें डालेंगे जो हमने पानी निकाला था चावलों में से, वो हम डालेंगे। चावलों में से पानी निकाला और ये अब दूसरी लेयर मैंने लगा दी है। इसमें वो जो बचा हुआ चिकन था वो भी मैंने डाल दिया। अब कलर भी डाल दे रही हूँ इसमें। अब डालूंगी मैं बिरयानी मसाला भी डाल दे रही हूँ। अब इसमें डालूंगी मैं ये बिरयानी मसाला। अब इसमें सारा कुछ, अब सब कुछ डाल दिया मैंने। अब इसमें थोड़ी देर दम होने रखूंगी, फिर बाद में दिखाऊंगी आपको। काश ऐसा भी होता कि बिरयानी हमारी बन चुकी है। अभी देखो इसकी खुशबू फोन के अंदर आती और आप सूंघ पाते कितनी टेस्टी बनी है बिरयानी, कितने खिले खिले बिरयानी बनी है, इसकी सुगंध इतनी बढ़िया है। ये है भटियाला बिरयानी, वेट करो। और आप भी अपने घर में ट्राई करो और हमें हमारे चैनल को फॉलो करो और कमेंट करके बताओ कि आपके यहाँ कैसी बनी है। ठीक है, अब ये बिरयानी हमारी बन चुकी है, अब हम आपको टेस्ट करके बताएंगे थोड़ी देर में। बिरयानी बहुत टेस्टी बनी है और आप भी ट्राई करके देखना, और आप मेरे चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना।